हार्मोनिक फंक्शन, u of x comma y is said to be harmonic function if, when it is said to be harmonic function, if it satisfied condition del square u by del x square plus del square u by del y square is equals to 0. So any function is said to be harmonic if it satisfying this condition. Isko bolte Laplace equation. So second derivative of u with respect to x plus second derivative of u with respect to y, in dono ka addition agar 0 aa gaya, so then we can say u is a harmonic function. For example, suppose aapke paas mein ek function given hai, ye u is just a notation hai. So suppose aapke paas mein ek function given hai, u is equals to 2x plus 1 minus y. और इसको हमें चेक करना है वेदर इट इज हार्मोनिक और नॉट. सो u को क्या करोगे, u x u इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2xy, जस्ट इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया. नाउ टेक इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. सो u लोअर सफिक्स x, इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस y. अगेन टेक इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? यस, इट इज ए जीरो, बिकॉज हम एक्स से कर रहे हैं ना, तो इस टर्म में एक्स कंटेन ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ए जीरो. वैसे ही सेम यू को अगर वाई से डिफरेंशिएट करोगे, डेल यू बाय डेल वाई, इस क्वांटिटी को वाई से डिफरेंशिएट करो. सो यू को वाई से डिफरेंशिएट, तो पहली टर्म में एक्स है, नॉट कंटेन वाई, सो दिस इज जीरो. सेकेंड टर्म में y कंटेन है, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस टू एक्स. अगेन टेक इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, सो इट इज ए जीरो. अब यहाँ पे दोनों डेरिवेटिव जीरो आ गए हैं, जरूरी नहीं कि हर टाइम पे ऐसे जीरो ही आएगा. यहाँ पे जीरो आ गया है तो दोनों टर्म्स का एडिशन भी क्या होगा, जीरो. इसका मतलब क्या हो गया, u इज हार्मोनिक फंक्शन. तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, वो एक ये जो थ्योरम है ना, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है हार्मोनिक का, दैट इज इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन इन ए रीजन कैपिटल आर, देन यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन. बोथ हार्मोनिक फंक्शंस इन ए रीजन कैपिटल आर. स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज एनालिटिक, इनकेस अवर फंक्शन इज एनालिटिक, तो इसके अंदर का यू एंड वी ये क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन. मतलब यू का डेरिवेटिव एक्स एक्स, यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या एडिशन जीरो. सिमिलरली वी एक्स एक्स वी वाई वाई इक्वल्स टू जीरो. सो सिर्फ आपके पास में अगर फंक्शन एनालिटिक लिखा है तो उसके यू एंड वी क्या करेंगे, हार्मोनिक की कंडीशन को होल्ड करते हैं, दैट मीन्स बोथ फंक्शंस यू एंड वी आर हार्मोनिक. स्टेटमेंट अगर क्लियर है तो सी द प्रूफ. आपके पास में सिर्फ लिखा है फंक्शन एनालिटिक है, और फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वी नो दैट यू एंड वी सेटिस्फाइंग सी आर इक्वेशन एज वेल एज एफ इज डिफरेंशियबल. इसके आगे से आप ये चीजें याद ही रखना स्टार्ट करो कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो मतलब क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड यू एंड वी सेटिस्फाइंग सी आर इक्वेशन. सो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ये गिवन इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक. If it is an analytic, so this imply
You and me satisfy CR equation. अगर यू एन वी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करते हैं सो सी आर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स. दिस इज आवर सी आर इक्वेशन. वी रिक्वायर द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, सो हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे. सो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए जो आपके पास में डेल यू बाय डेल एक्स का टर्म है इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये जो टर्म है ना, दिस इज अवर इक्वेशन ए, दिस इज अवर इक्वेशन बी. इक्वेशन ए को अगर मैं एक्स से डिफ्रेंशिएट करती हूँ, इक्वेशन ए डिफ्रेंशिएट पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, अगेन एक्स से डिफ्रेंशिएट, तो यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू वी का डेरिवेटिव, ये ऑलरेडी वाई से है फिर बाद में हम एक्स से कर रहे हैं. अब ये जो टर्म है इक्वेशन बी डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो लेफ्ट हैंड साइड में यू वाई से ऑलरेडी डेरिवेटिव है, अगेन डेरिवेटिव माइनस वी एक्स वाई. नाउ टेक इट्स एडिशन. अगर इस टर्म का हम अगेन ये जो टर्म है इन दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू वी वाई एक्स माइनस वी एक्स वाई. बट बिकॉज ऑफ आवर फंक्शन इज एनालिटिक तो यू एंड वी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं, तो इसमें ये जो टर्म होता है ना ये वी का डेरिवेटिव एक्स वाई के साथ में इक्वल होता है वी का डेरिवेटिव वाई एक्स के साथ में. अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो मुझे बताओ सेम क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन लोगे तो क्या होगा, जीरो. सो ये अगर राइट साइड का टर्म जीरो आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, यू सेटिस्फाइंग द हार्मोनिक कंडीशन. सो दिस इंप्लाय फंक्शन यू इज हार्मोनिक. तो यू इज हार्मोनिक फंक्शन. क्लियर. जैसे हमने U के लिए किया वैसे ही मुझे V के लिए करना है. देखो अभी V और U का सेम ही है, हमारे पास में CR इक्वेशन है यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई. तो वी वाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, मुझे क्या चाहिए CR इक्वेशन के बाद में हार्मोनिक के ऊपर जाना है तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ V. V के लिए मुझे चाहिए हार्मोनिक का कंडीशन, सो डिफ्रेंशिएट पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू y. अगर इस टर्म को y से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या होगा, v y y इज इक्वल्स टू u x y. ये जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना वो वेरिएबल इसके लोअर सफिक्स में आ जाएंगे. ये हो गया पहले CR इक्वेशन की हेल्प से. सो फर्स्ट CR इक्वेशन की हेल्प से हमने ये लिख दिया. दूसरा इक्वेशन क्या रहता है, u y इज इक्वल्स टू माइनस v x. सो v x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस यू वाई. इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर एक्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी गेट वी एक्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू वाई एक्स. टेक इट्स एडिशन. सो मुझे वी के लिए हार्मोनिक कंडीशन बतानी थी तो हम इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल्स टू, ये वी एक्स एक्स का वैल्यू है माइनस यू वाई एक्स प्लस यू एक्स वाई. बट बिकॉज ऑफ यू एंड वी इज कंटिन्यूअस फंक्शन सो यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू यू वाई एक्स. यू एंड वी कैसे है, पार्शियली डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस. सो सेकेंड ऑर्डर ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा. अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों सेम टर्म का ये प्लस में है ये माइनस में, सो प्लस माइनस तो सेम टर्म का सब्ट्रैक्शन जीरो. दैट मीन्स वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इम्प्लाय वी इज
हार्मोनिक फंक्शन। अगर वी हार्मोनिक है, यू हार्मोनिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा फंक्शन एनालिटिक था, तो फंक्शन इज एनालिटिक, देन यू एंड वी सैटिस्फाइंग कंडीशन ऑफ हार्मोनिक, मतलब बोथ फंक्शंस आर हार्मोनिक।